हे गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन न्यू मोटो व्लॉग। तो आज के इस मोटो व्लॉग में हम लोग रेस करने वाले हैं FZ SFI वर्सेस अपाचे RTR। तो दोनों बाइक्स की एफिशिएंसी सेम है और पावर भी अप्रॉक्स सेम है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग मिलते हैं रेस ट्रैक पर। फाइनली दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्ट्रीट रेस के ट्रैक पर। तो अब हम लोग हॉर्न की बीप के साथ स्टार्ट करेंगे अपनी इस रेस को। तो फाइनली हमारी रेस स्टार्ट हो चुकी है और हमारी FZS का इनिशियल काफ़ी अच्छा था और इसने अपाचे RTR को बीट किया। बट अपाचे RTR ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए इसने काफ़ी अच्छा पिकअप दिखाया और FZ को इनिशियल पोजीशन पर पीछे करने की ट्राई किया। बट यहाँ पे हमारी FZS काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए स्पीड पकड़ रही थी और अपाचे ने भी अपनी बेटर परफॉर्मेंस दिखाते हुए हमारी FZS को 100 प्लस स्पीड होने के बाद भी उसने ओवरटेक किया, तब उसकी स्पीड भी अप्रॉक्स 100 थी। फिलहाल अपाचे पूरी पावर दिखाते हुए 100 प्लस की स्पीड पे चल रहा था और बाइक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। वहीं पर हमारी FZS भी अपाचे को बीट करने के लिए 100 प्लस की स्पीड पे चल रही थी और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दोनों ही बाइक्स दे रही थी। फिलहाल FZS का इनिशियल काफ़ी अच्छा था, लेकिन आपने देखा कि अपाचे को थोड़ा रन करने के बाद उसका भी स्पीड काफ़ी अच्छा था और रेस में फिलहाल अभी वही आगे के चल रही थी और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी इसकी रेस में। लेकिन अभी FZ राइडर्स ने भी हार नहीं मानी थी और वो लोग पूरी ट्राई कर रहे थे अपाचे को ओवरटेक करने की और वो सॉरी गाइस, थोड़ा कोल्ड होने की वजह से मुझे शायद हो सकता है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे हमारी FZS स्पीड काफ़ी अच्छी स्पीड पकड़े हुए थी, वहीं पे अपाचे पूरा जोर दिखाते हुए चल रही थी, बेटर परफॉर्मेंस दे रही थी। बट यहाँ पे FZS ने अपाचे को थोड़ी देर बाद ओवरटेक किया। जिस टाइम अपाचे ने ओवरटेक किया था FZ ने, उस टाइम FZ की स्पीड 100 प्लस चल रही थी और अब FZ इस टाइम आगे चल रही थी। यहाँ पे अपाचे अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए 100 प्लस की स्पीड ही पे चल रही थी और दोनों बाइक्स हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए एक दूसरे को बीट करने की ट्राई कर रही थी और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही दोनों ही बाइक्स। यहाँ पे FZS वालों ने भी अभी हार नहीं मानी थी और अपनी फर्स्ट पोजीशन बनाए रखने के लिए ये 100 प्लस की स्पीड मेंटेन किए थे। तब हम लोगों ने पीछे देखा, यानी FZ राइडर्स ने, तो अपाचे दूर दूर तक नहीं दिखी। तो यहाँ पे FZS अभी भी अपनी स्पीड को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किए हुए थी और अभी तक की FZ वालों ने हार नहीं मानी थी और ये 100 प्लस की स्पीड को मेंटेन करते हुए अपाचे को बीट कर रहे थे। फिलहाल कुछ ही देर बाद हमें अपाचे राइडर्स का फ़ोन आता है, तो उन्होंने कहा कि बाइक में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वो बाइक धीमे कर दिए थे और साइड में रुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग भी बाइक को साइड में लगा के उनका वेट करने लगते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं और अपाचे राइडर्स का वेट करते हैं। तो फाइनली थोड़ी देर पहले अपाचे राइडर्स आ गए थे और काफ़ी अच्छी स्पीड हुई। वैसे पर्सनली पूछे तो दोनों ही बाइक की परफॉर्मेंस अच्छी थी और मैच टाई करते हुए एक बाइक का इनिशियल अच्छा था और हमारी अपाचे RTR का टॉपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी थी। दोनों ही बाइक ने को दूसरे को काफ़ी अच्छा बीट किया और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे इन करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट मोटो व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।